सुप्रभात बच्चों, आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब घर पे अच्छे होंगे और पढ़ते भी होंगे, अपना गृह कार्य भी बना करके भेजते हैं। तो आज आप सब पढ़ेंगे, आज वर्ग एक के लिए हिंदी है जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, और उसका पाठ है 18 और शीर्षक है गुब्बारे। तो गुब्बारे जो शीर्षक है उससे आप सभी बच्चे परिचित है, और आप सबको गुब्बारा उड़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आप सब गुब्बारे को पसंद भी करते हो। तो आज से उसी से संबंधित एक कवि पढ़ेंगे, और इस कवि ऑफलाइन कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो अब हम सब क्या करेंगे, गुब्बारे कविता को गाएंगे। तो आप सब क्या करें, अपनी हिंदी की किताब और कॉपी को निकालें। तो सबसे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, क्या है शब्दार्थ है यहाँ पर। आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखे, ढेर का है, बहुत सारे, मुट्ठी हथेली, उछाल ऊपर की ओर उड़ाना। मुट्ठी हथेली सभी आदमी जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं मुट्ठी। उछाल किसी चीज को ऊपर की ओर उड़ाते हैं। शोर गुब्बारे की फटने की आवाज, जब गुब्बारा खरीदते हैं तो जोर से जब कहीं दब जाता है तो क्या होता है, फट से फट जाता है, तो बहुत जोर की क्या होती है, आवाज होती है, उसी को कहते हैं शोर। और खत्म का अर्थ हुआ समाप्त। तो ये आप पढ़ लिए शब्दार्थ, इसको आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखे क्या है, इस पाठ में हम, पाठ में क्या पढ़ेंगे वो लिखा हुआ है, इस पाठ में हम सब रंग बिरंगे गुब्बारे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद है। तो गुब्बारे, बैलून आप सबको पसंद है ना, सबको पसंद है। तो चलिए अपनी किताब को निकालिए और गुब्बारे कविता है उसको क्या कीजिए, पढ़िए। तो निकालिए यहाँ पर किताब, ये पाठ है आपका, देखिए इसी में आपको ये पाठ पढ़ना है। क्या है, पढ़िए, गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफेद रंगों के हैं कितने ढेर। तो क्या है, गुब्बारे का जो ढेर है, देखो यह ढेर है, और ढेर कौन लेकर के आया है, तो ये आदमी लेकर के आया है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शमशेर। समझ गया ना, तो गुब्बारे कौन लेकर के आया है, गुब्बारे लेकर के आया है शमशेर। यहाँ देखिए कितने रंग के गुब्बारे हैं, लाल पीले बैगनी हरे। तो गुब्बारे के कितने भेद हैं, देखो हरे बैगनी लाल सफेद रंगों के हैं, कितने भेद के प्रकार के गुब्बारे, देख लिए ना, गुब्बारे कई रंगों के हैं, लाल सफेद बैगनी हरे हैं, हर प्रकार के गुब्बारे हैं। यहाँ देखिए, और गुब्बारे लेकर कौन आया, गुब्बारे लेकर के आया शमशेर। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, कोई लंबा और कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। देखो ये बच्चा जो है, ये मुट्ठी में किसकी डोर लिए हुआ है, गुब्बारे की डोर लिए हुआ है, देखो। और ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करके गुब्बारे को क्या रहा कर रहा है, नचा रहा है। यहाँ देखो क्या लिखा है, हाथों से दो इन्हें उछाल, किन्हें, गुब्बारे को, लेकिन छूना खूब संभाल, गुब्बारे को संभाल करके छू गया, नहीं तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट फट जाएगा। तो इन्हें उछाल लेकिन छूना खूब संभाल, परा किसी के ऊपर जोर एक जोर का होगा। अगर किसी के ऊपर जोर पड़ गया तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा, और क्या हो जाएगा, बहुत जोर की शोर आवाज होगी, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। जब गुब्बारा फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। इसको किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ आपके अभ्यास दिए हुए हैं जो यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए, शेर गुब्बारे लेकर आया, शेर लेकर आया है कि शमशेर लेकर के आया है, गुब्बारे लेकर के आया है शमशेर, तो शेर लेकर के जो आया है ये क्या है, ये गलत है। गुब्बारे लंबे और गोल है ना,
परे हम गुब्बारे कोई लंबा कोई गोल, तो ये आपका सही है। जोर से दबाने पर गुब्बारा फट जाएगा। हाँ आप सब जानते हैं कि जोर से जब गुब्बारे के दबाओगे तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। ये भी आपका वाक्य सही है। गुब्बारे बिना पैसे के मिल रहे हैं? नहीं, हमने पढ़ा है कि लाओ पैसे ले लो मोल, समझ गए ना। तो ये बिना पैसे के गुब्बारे नहीं मिल रहे। यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, इसका आपको ये आपका सही गलत हो गया। और इस पार्ट से मैं आपको कुछ प्रश्न बना दे रही हूँ जिसको आप क्या करेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ये क्या हो गया, चलिए प्रश्न यहाँ देखिए। यहाँ सब साइड क्या गोल है और क्या लंबा है, उसके साथ क्या करना है आपको, इसकी दाम में मिलान करना है। तो आप चित्र के जो है उसको घर पे मिलान भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न प्रश्नोत्तर एक है, गुब्बारे लेकर कौन आया है, कौन आया है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, गुब्बारे लेकर के कौन आया है बताइए। उत्तर गुब्बारे, गुब्बारों, गुब्बारे लेकर को, गुब्बारे लेकर लेकर शमशेर आया है, आया है। यहाँ पर लिखना है अब क्या है, गुब्बारा कैसे फट जाएगा अगर कम है, गुब्बारे किस चीज से मिल रहे हैं, किस चीज से मिल रहे हैं। उत्तर है गुब्बारे, गुब्बारे पैसों, नहीं पैसे से मिल रहे हैं। ये आपका दो प्रश्न है, इसको भी आप क्या कीजिएगा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की ये जो आपकी ऑनलाइन कक्षा है वो समाप्त हो रही है। धन्यवाद।